आदिवासी सेंगल अभियान के द्वारा सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है और आज रांची के मोहराबादी मैदान में आदिवासी सेंगल अभियान के द्वारा सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू। सर, आज का क्या जनसभा का क्या उद्देश्य है? हम लोग का बड़ा मुख्य उद्देश्य है, भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं और हिंदू मुसलमान ईसाई आदि नहीं हैं, हमारी मांग है हमको सरना धर्म कोड के नाम पर धार्मिक आजादी दी जाए। आज इसकी घोषणा हम लोग यहाँ से कर रहे हैं और तब भी यदि भारत सरकार नहीं देगी तो 30 दिसंबर को हम लोग भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। इसी के साथ हम आज आदिवासी राष्ट्र इसकी भी घोषणा करेंगे। भारत राष्ट्र के भीतर ही आदिवासी राष्ट्र होना चाहिए, जैसे अभी हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, मुसलमान राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, तो हम भारत के आदिवासी मारे जा रहे हैं, हमारा धर्म नहीं मिल रहा है, भाषा नहीं, जमीन नहीं, इज्जत नहीं, आबादी नहीं, रोजगार नहीं, तो भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड के नाम से भी एकजुट करना है, आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना से भी एकजुट करना है। क्योंकि बड़ी छोटी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं और झारखंड बने 23 वर्षों में भी सभी पार्टियों के बड़े नेता आदिवासी हैं, सभी मुख्यमंत्री बाप बेटा शिबू सोरेन हेमंत सोरेन 5 बार CM बने, बाबूलाल मरंडी जी भी बने, अर्जुन मुंडा बने, माधु कोड़ा बने, लेकिन आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। तो हमारे आदिवासी नेता भी विभिन्न पार्टियों में रहकर आदिवासी समाज की बात नहीं करते हैं, आदिवासी जन संगठन भी आदिवासी समाज की बात नहीं करते हैं और आदिवासी गांव देहात के लोग भी बेचारे ना समझ हैं, हड़िया दारू चकना डायन भूत प्रेत के चक्कर में फंसे हुए हैं भोले भाले लोग। तो इन तमाम लोगों को एक नई आजादी, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आजादी आदिवासी राष्ट्र के नाम से उनको हम आजाद करने का एक रास्ता बताएंगे। और आज की सभा में आदिवासी संगल अभियान के कार्यकर्ता हैं, ये धोए हुए लाए हुए लोग नहीं हैं। और हम लोगों ने भी सोचा है कि RSS की पैटर्न में आदिवासी समाज को नए सिरे से एकजुट करना होगा और ये काम आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे। अच्छा, आदिवासी को अगर सरना धर्म कोड की मान्यता मिलती है या फिर आदिवासी राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, इससे आदिवासी समाज में कितना बदलाव आएगा? पूरा बदलाव आएगा। अभी क्या है, संविधान और कानून प्रदत्त कोई भी अधिकार आदिवासी को नहीं मिला है। CNT SPT कानून है, पूरे झारखंड में साहब आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है, धर्म की आजादी का व्यवस्था है संविधान में लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, पेशा कानून, वन अधिकार कानून, समता जजमेंट कुछ लागू नहीं है। तो जब तक आदिवासी को ये धर्म की मान्यता या कानून और संविधान का मान्यता और लागू नहीं होगा तो आदिवासी ऐसे ही रहेगा।